नया साल शुरू हो गया है और उसके साथ साथ ऑडी वापस ले आया है अपनी सबसे लंबी एसयूवी द Q7 फेसलिफ्ट। ये आती है नए लुक्स, नए इंटीरियर्स और नए इंजन के साथ। और हालांकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तो ये 2020 में ही आ गई थी, हमें अब मिल रही है और वाकई बहुत कुछ है इसके बारे में जानने के लिए। तो चलिए 2022 में 22 नई बातें जानते हैं Q7 के बारे में। Q7 जब पहली बार दिखाई गई थी तो अपने विजुअल चेंजेस के साथ बड़ी शानदार दिख रही थी। इसका नया एग्रेसिव बम्पर और वो क्लैडिंग पैक इसको पहले से ज्यादा मस्कुलर दिखा रहा था, पहले से ज्यादा एसयूवी दिखने में मदद कर रहा था। लेकिन ये इंडियन मॉडल थोड़ा अलग है, इसको वो क्लैडिंग पैक नहीं मिलता। और हालांकि फ्रंट पहले से ज्यादा एग्रेसिव तो है, लेकिन बाकी की सारी प्रोफाइल्स एस्टेट और वैगन ज्यादा और एसयूवी कम दिखती हैं। हालांकि Q7 की हमेशा से पहचान इसके साइज की वजह से रही है और अब ये पहले से भी बड़ी हो गई है, तो रोड प्रेजेंस और भी डोमिनेटिंग है। ये नए मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स वाकई ही काफी शानदार दिखते हैं। सिर्फ दिखने की बात नहीं, इनका इल्यूमिनेशन भी बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। प्लस जब आप हाई बीम पे होते हैं और सामने से ऑनकमिंग ट्रैफिक आ रहा होता है तो ये अपनी बीम को कंट्रोल कर सकता है ताकि सामने वाले को फ्लैश ना करे, उसको अंधा ना करे। लेकिन इंटरनेशनल मॉडल्स में यहाँ पे आपको HD मैट्रिक्स लैंप्स मिलते हैं जो कि लेजर लाइट्स का यूज करते हैं और भी बेटर इल्यूमिनेशन के लिए। वो फीचर यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन जो आपको मिलता है वो है डायनेमिक टर्न इंडिकेटर्स। इन 19 इंच की व्हील्स को जब आप पास से देखते हैं तो ये अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े दूर चले जाते हैं तो बड़े सिंपल, प्लेन और सोबर दिखने लग जाते हैं। अगर ये ड्वेल टोन में फिनिश्ड होते या फिर गन मेटल ग्रे कलर में भी होते तो और अच्छे लगते। लेकिन हाँ, ये जो बड़ी साइड प्रोफाइल है ये आपको टायर और रिम डैमेज होने की चिंता से दूर रखेगी। Q7 में अब भी एयर सस्पेंशन आता है, तो अगर आप किसी ऑफ रोड पैच पे जा रहे हैं तो बस इसको ऑफ रोड मोड में डालिए और गाड़ी अपने आप ये लिफ्ट होने लग जाती है और इसके साथ आपकी ग्राउंड क्लियरेंस की सारी चिंता भी चली जाएगी। Q7 में अब बैठना उतरना और भी आसान हो गया है इनसाइड रनिंग बोर्ड्स की वजह से। अब ये हैं तो ऑप्शनल एक्सेसरीज, लेकिन आपको अपनी Q7 पे जरूर लगवानी चाहिए। पडल लैंप्स और प्रोटेक्शन यूजुअली फ्रंट डोर में ही आते हैं, लेकिन Q7 में आपको वो चारों डोर में मिलते हैं और ये क्वार्टर के प्रोजेक्शन काफी कूल लगते हैं। हेडलैम्प्स में जैसे ही टेल लैम्प्स में भी चेंजेस आए हैं और अब ये पहले से ज्यादा अटेंशन ग्रैब करते हैं। और हाँ, इनके नीचे अब भी आपको डायनेमिक टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। कई गाड़ियों में फीचर ऑलरेडी आ चुका है और फाइनली Q7 को भी मिल गया है ये किक सेंसर। बस गाड़ी के नीचे एक लात मारिए और बूट खुल जाता है। तीनों रो के साथ भी यहाँ पे आप छोटे सूट केसेस और सॉफ्ट बैग्स रख पाएंगे। अगर थर्ड रो को फोल्ड कर दें तो फिर जगह की कोई कमी नहीं। लेकिन अगर आपका दिल मांगे मोर तो आप सेकेंड रो को भी फोल्ड कर सकते हैं और इसको एक बिस्तर बना सकते हैं। थर्ड रो को एक्सेस करने के लिए आपको पहले सेकेंड रो को फोल्ड करना पड़ेगा और ये एक 2-स्टेप प्रोसेस है। अच्छी बात यह कि इस भारी सीट को उठाने के लिए आपको हाइड्रोलिक असिस्ट मिलता है। इससे भी अच्छी बात यह है कि थर्ड रो को उठाने के लिए आपको बाइसेप्स नहीं उंगली की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको इलेक्ट्रिक असिस्ट मिलता है। अब यहां पे आपको जगह उतनी ही मिलती है कि भाई आपके कहीं पैर ना फंसे, और ये तो तब है जब ये सेकेंड रो ऑल द वे हमने आगे स्लाइड करी हुई है और जो फर्स्ट रो है उसको भी थोड़ा आगे पुश किया हुआ है। लेकिन इस सेटिंग में भी 6 फुट के लोग एक के पीछे एक बैठ सकते हैं, लेकिन यार ये सिटी जर्नीज में ही कंफर्टेबल रहेगा, लंबी जर्नीज में नहीं। ये सीट देखा जाए तो बच्चों के लिए ही सही रहेगी। एयरीनेस की बात करूं तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। हेडरेस्ट छोटा है सामने वाला, बड़ा पैनोरामिक सनरूफ है, बड़ा साइड ग्लास है, तो यहाँ बड़ा खुला खुला लगता है बैठ के, और हेडरूम भी कंप्लेन तो नहीं करने देगा आपको। पीछे बात अगर फीचर्स की करें तो आपके पास हैं कप होल्डर्स, रूफ माउंटेड स्पीकर्स और कुछ नहीं, ना तो यहाँ पे AC वेंट्स हैं, ना AC कंट्रोल्स हैं और ना ही मोबाइल के लिए कोई चार्जर। भाई अब ये सारी चीज़ें तो बेसिक 7-सीटर्स में भी आ जाती हैं, तो ऑडी की फ्लैगशिप 7-सीटर में क्यों नहीं।
अगर आप अपने साथ एक शॉफर को रखते हैं तो फिर ये आपकी सीट है, और ये तो मानना पड़ेगा भाई कि ये एक पक्की बॉस सीट है। सीट की कुशनिंग बड़ी कंफर्टेबल है, बड़ी सपोर्टिव है, और ये अंडर थाई सपोर्ट भी स्पेशली आपको अच्छे से सपोर्ट करता है। इस सीट के बैकरेस्ट इन तीनों सीट्स के आप इंडिविजुअली रिक्लाइन करके सेट कर सकते हैं, प्लस ये तीनों सीट्स को आप इंडिविजुअली स्लाइड करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर जब उसको सबसे पीछे कर देते हैं तो ढेर सारा लेग रूम है, नी रूम है, हेड रूम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आपको वो बॉस सीट एक्सपीरियंस चाहिए तो ये सीट आपको वो अच्छे से देगी। अगर आप अपने पूरे परिवार के साथ भी ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो तीन जने यहाँ पे बड़े आराम से फिट आ जाएंगे। फीचर्स की भी यहाँ पे कोई कमी नहीं। आपको मिलते हैं अपने खुद के पर्सनल एंड्रॉइड टैबलेट्स जिन पे आप वीडियो देख सकते हैं, चाहिए तो अपने फोन से भी इस पे स्ट्रीम कर सकते हैं। उसके बाद एसी इवेंट्स हैं बी पिलर पे, सेंटर कंसोल में दो अलग जोन है क्लाइमेट कंट्रोल के, नीचे दो टाइप सी यूएसबी चार्जर्स हैं, एक 12 वोल्ट सॉकेट है। उसके बाद आपको मिल जाता है ये सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, विंडो पे आपको मिल जाते हैं प्रिवेसी कर्टन्स, और फिर फाइनली रात को एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ। हालांकि वो परफेक्ट बॉस सीट एक्सपीरियंस में थोड़ी कमी है, बस यहाँ पे अगर एक वायरलेस फोन चार्जर और इस फ्रंट सीट के लिए कंट्रोल्स भी आ जाते तो ये बॉस सीट एक्सपीरियंस पूरा हो जाता। अगर आपको शांति पसंद है ना तो फिर ये Q7 का कैबिन आपको जरूर पसंद आएगा। इंजन तो शांत है ही और ये कैबिन इंसुलेशन भी वाकई ही लाजवाब। देखना चाहते हैं आप? हॉर्न की आवाज बड़ी पोलाइटली अंदर आती है और बाकी सारी आवाजें ये दरवाजा और ये खिड़की आराम से रोक लेते हैं। तो अगर आपके ऑफिस ने आपको थका दिया है, आप आराम से घर जाना चाहते हैं शांति में, तो ये गाड़ी आपको जरूर पसंद आएगी। जर्मन बिल्ड क्वालिटी और ऑडी की प्रीमियम मटेरियल क्वालिटी मिलके इस कैबिन का एक्सपीरियंस शानदार बना देते हैं। जहां भी आप टच करेंगे वहां या तो सॉफ्टेस्ट मटेरियल है या फिर एक सिंपल सैटिन सिल्की स्मूथ फिनिश या फिर ऑफकोर्स लेदर, और इन सभी मटेरियल्स की क्वालिटी बड़ी शानदार है। ये होती है प्रॉपर लग्जरी। फाइनली Q7 को मिल गया है ऑडी का ये नया डैशबोर्ड लेआउट। इसमें आपको मिलता है एक बड़ा सोबर पियानो ब्लैक फिनिश ऊपर, और इसके अंदर ये दो बड़ी स्क्रीन्स, ऊपर वाली आपकी यूजुअल इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है और नीचे वाला आपका क्लाइमेट कंट्रोल कंट्रोल करता है। लेकिन एक चीज़ है कि क्लाइमेट कंट्रोल को गाड़ी चलाते हुए कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको नीचे देख के इन बटन्स को टच करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि आप वॉइस कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज ब्लोअर स्पीड, I'll switch the air conditioner compressor on. इस तरीके से आप टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं, फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप नेविगेशन के लिए डेस्टिनेशन सेट कर रहे होते हैं तो ये नीचे वाला जो पूरा स्क्रीन है ये आपके लिए कीबोर्ड बन जाता है, तो वो जब आप रुके हुए होते हैं यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। और भी एक चेंज है कि ये जो पहले ऑडी के इन सिस्टम्स में हैप्टिक टच आता था वो काफ़ी इम्प्रूव कर दिया गया है। अब आपको स्क्रीन पूरी दबानी नहीं पड़ती, थोड़ा सा ही अगर आप टच कर देते हैं तो आपको एक थोड़ा वाइब्रेशन फीडबैक मिलता है और यूज़ करने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। बाकी भी ऑफ कोर्स ये कैबिन फीचर लोडेड है, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है अडैप्टिव विंडशील्ड वाइपर्स, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 30 कलर एम्बिएंट लाइट्स, पावर्ड फ्रंट सीट्स विद मेमोरी फॉर ड्राइवर, वायरलेस चार्जर, एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, ORVMs विद हीटिंग, ऑटो डिमिंग एंड मेमोरी फंक्शन, एयर क्वालिटी सेंसर विद फ्रेग्रेंस, और एक 19 स्पीकर बैंग एंड ऑल्सन ऑडियो सिस्टम। सेफ्टी के मामले में आपको मिलते हैं 8 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, और एक 360 डिग्री कैमरा। ऑडी का ये वर्चुअल कॉकपिट डिस्प्ले वाकई ही काफी शानदार है। सारी व्हीकल इंफॉर्मेशन आपको बड़े ही एक नीट लेआउट में सीधा आपके सामने मिल जाती है। आप चाहें तो व्हीकल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, अपना मीडिया इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, कॉल लॉग्स यूज कर सकते हैं, यहीं से किसी को कॉल कर सकते हैं, या फिर नेविगेशन का डेटा भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, और बेस्ट पार्ट व्यू चेंज करके नेविगेशन फुल स्क्रीन भी हो सकता है। लेकिन यार इस गाड़ी में कुछ फीचर्स मिसिंग भी लगते हैं, जैसे कि अब इन सीट्स को ले लीजिए, इसमें वेंटिलेशन नहीं है, हीटिंग नहीं है, और मसाज फंक्शन भी होना चाहिए था लेकिन नहीं है। इसके अलावा फिर ये स्टीयरिंग व्हील, इसका जो एडजस्टमेंट है वो मैनुअल है, इसमें इलेक्ट्रिक एडजस्ट आना चाहिए था।
हेड्स अप डिस्प्ले इस गाड़ी में मिसिंग है। उसके बाद जो पैसेंजर सीट है इसमें इलेक्ट्रिक एडजस्ट तो है लेकिन मेमोरी फंक्शन नहीं आता। अब ये सारे फीचर्स आपको इसके कॉम्पिटिशन में मिल सकते हैं तो फिर यहाँ भी आने ही चाहिए थे। अब अगर इंटरनेशनल मॉडल से कंपेयर करें तो इंडियन मॉडल में कुछ फीचर्स काट दिए गए हैं, जैसे कि गूगल अर्थ इंटीग्रेटेड नेविगेशन, अलेक्सा वॉइस असिस्टेंट और कनेक्टेड कार टेक। Q7 को अब एक इम्पॉर्टेंट इंजन अपडेट मिला है जो कि अच्छा भी है और बुरा भी। बुरा इसलिए क्योंकि अब इसमें आपको कोई भी डीजल इंजन ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अच्छा इसलिए क्योंकि जो पेट्रोल इंजन ऑप्शन आपको मिल रहा है वो है एक 3 लीटर V6 एक 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ थोड़ी एफिशिएंसी में एड करने के लिए। ट्रांसमिशन इसमें आपको अभी एक 8 स्पीड ऑटोमेटिक ही मिलेगा जो पावर करेगा क्वाट्रो और व्हील ड्राइव को। इंजन बड़ा रिफाइंड है और आवाज या वाइब्रेशन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। एक्सेलरेशन भी बड़ा स्मूथ और रिस्पॉन्सिव है तो पावर की कमी भी आपको महसूस नहीं होगी। आपको भले ही हाईवे पे क्रूज करना हो या किसी क्विक ओवरटेक के लिए जाना हो, ये सभी काम Q7 बड़े ही आराम से और एफर्टलेसली करती है। हाँ, डीजल का माइलेज तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप गाड़ी चलाने के शौकीन हैं तो Q7 आपको निराश नहीं करेगी। Q7 के इंटरनेशनल मॉडल्स में ADAS आता है, यानी कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, लेकिन वो आपको ऑडी इंडिया में नहीं दे रहा है। तो आपके पास अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और एक्टिव स्पीड असिस्ट जैसे फीचर्स तो नहीं आएंगे, लेकिन एक फीचर यहाँ पे मिल रहा है वो है लेन कीप असिस्ट। अब ये क्या करता है, जब आप गाड़ी हाईवे पे चला रहे होते हैं तो फिर लेन डिटेक्ट करके आपकी गाड़ी को वापस से लेन के बीच में रखता है, ड्रिफ्ट होने से बचा लेता है। लॉन्ग जर्नीज पे अगर आप ज्यादा जाते हैं, पेव्ड हाईवेज पे, मार्क्ड हाईवेज पे ज्यादा जाते हैं तो ये फीचर आपके जरूर काम आएगा। पार्क असिस्ट आपकी सहायता करता है दो तरीके से। पहली, वो आपकी जगह ढूंढने में मदद करेगा। दूसरी, स्टेयरिंग असिस्ट करके वहां पार्क करने में भी मदद करेगा। अब Q7 में आपको कई सारे ड्राइव मोड्स मिल रहे हैं, लेकिन इनमें से चार मेन हैं: एफिशिएंसी, कंफर्ट, डायनेमिक और ऑफ रोड। एफिशिएंसी में जो थ्रॉटल रिस्पांस है वो काफी डल हो जाता है, तो आपको थ्रॉटल पे ज्यादा जाना पड़ता है गाड़ी को क्विकली कोई मूवमेंट देने के लिए। यहाँ पे जो गियर शिफ्ट्स होते हैं वो भी बड़े क्विक होते हैं, आपको लो आरपीएम की रेंज में रखते हैं ताकि आपको एफिशिएंसी ज्यादा मिले। कंफर्ट मोड यहाँ पे सबसे ज्यादा बैलेंस है, सबसे ज्यादा गाड़ी काम उसी मोड में चलती है। हाईवे पे भी अगर आपको सिर्फ सिंपली क्रूज करना है तो फिर कंफर्ट मोड में ही सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। डायनेमिक मोड में जब आप गाड़ी को डाल देते हैं तो एयर सस्पेंशन की मदद से गाड़ी थोड़ी नीचे हो जाती है, उससे आपकी हैंडलिंग इंप्रूव हो जाएगी, थ्रॉटल रिस्पांस क्विक हो जाएगा और रेव्स भी काफी ज्यादा ऊपर तक जाती हैं। इसके साथ आपको ये Q7 चलाने में मजा आने लगेगा। और फिर फाइनली आता है ऑफ रोड। तो अगर आप किसी ज्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते पे, ऑफ रोड रास्ते पे जा रहे हैं तो एयर सस्पेंशन उस मोड में आपको ऊपर उठा देता है, आपका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा देता है। और फिर फाइनली आता है इंडिविजुअल मोड, जहाँ पे आप ड्राइव सिस्टम, सस्पेंशन और स्टेयरिंग को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं एक अपने पर्सनल परफेक्ट बैलेंस के लिए। तो फिर आपका मूड जैसा भी हो, Q7 में कोई ना कोई एक ड्राइव मोड तो जरूर ऐसा है जो आपके मूड को सूट करेगा। Q7 जानी जाती है अपने शानदार कंफर्ट के लिए और इस फेसलिफ्ट में वो बरकरार है। कंफर्ट मोड में सस्पेंशन आपको सड़क पे ग्लाइड होने वाली फीलिंग देता है और छोटे मोटे गड्ढे तो इस कैबिन में पता भी नहीं चलते। हाँ, जब कोई पॉट होल या फिर कोई लेवल चेंज आ जाता है वहाँ पे ये सस्पेंशन आपको थोड़ा सा झटका देगा और वहाँ आवाज भी थोड़ी सी करेगा। फिर डायनेमिक मोड में आप गाड़ी को डाल दीजिए, उसमें ये ग्लाइड होने वाली फीलिंग तो कम हो जाती है, लेकिन वहाँ पे ये कैबिन मूवमेंट भी कम हो जाता है, कैबिन ज्यादा कंट्रोल में रहता है और आपको हाईवे पे और भी एक ज्यादा आरामदायक राइड मिलती है। तो भले ही आपको वो मैजिक कारपेट वाली राइड चाहिए हो या फिर एक फर्म और स्टेबल राइड, Q7 आपको वो दोनों दे सकती है। 2022 Audi Q7 facelift ये लॉन्च होगी जनवरी में और इसकी कीमत रहेगी लगभग 85 लाख रुपीस के आसपास। ये अभी कम्पीट करेगी BMW X5, Mercedes Benz GLE और Volvo XC90 के साथ। हाँ, उन गाड़ियों से अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें कुछ फीचर्स कम हैं और हाँ, वो SUV एटीट्यूड की भी कमी है, लेकिन जो ये गाड़ी आपको दे रही है वो है एक एफर्टलेस ड्राइव एक्सपीरियंस, कैबिन की क्वालिटी और एक शानदार राइड कम्फर्ट। अगर ये चीज़ें आपकी प्रायोरिटी हैं तो फिर आपको ये गाड़ी देखनी चाहिए।